15 दिन भी नहीं हुए थे, लेकिन किसने सोचा था कि जिस घर का बेटा अपना परिवार दोस्तों को छोड़ करके ड्यूटी पे गया वो शायद वापस ही नहीं लौटेगा। मेजर बिस्ट के साथ पढ़ने वाले मेजर रमोला जब आखिरी बार गए थे उस दिन क्या क्या बातें हो रही थी? मेरी तो अभी मैं साउथ सूडान में यूएन मिशन में पोस्टेड हूँ, तो 3 दिन पहले ही उससे फ़ोन पे बात हो रही थी। उसने मुझसे यही कहा था कि भाई सारे कोर्स तेरे साथ किए हैं, एक कोर्स मैंने इस बार पहले कर लिया है, अगर इंडिया में होता तो साथ कर लेते। आप उनके साथ पढ़े? हमने 4 साल ट्रेनिंग एक साथ करी है, उसके बाद जितने भी कोर्सेज हैं सब साथ ही करे थे। फिर मैंने उससे बस यही पूछा कि मैं शादी करने वाला है, बट मतलब ये हमारे कोर्स में कुछ 2-3 ही ऑफिसर ऐसे बचे जिन्होंने शादी नहीं की थी, यही हमसे पूछते रहते थे। तो इसने जब मैं नेटवर्क में नहीं था काफ़ी टाइम से, फ़ोन नहीं था मेरे पास, जब इसने मुझे कार्ड भेजा तो मैंने इससे सबसे पहले फ़ोन करके यही पूछना था कि मतलब बताया क्यों नहीं। इसने मुझे फिर काफ़ी देर तक समझाया कि इसने मुझे ट्राई किया था बताना, और इसीलिए मैंने भी अपनी छुट्टी इस तरह प्लान करी थी कि मैं उससे मिल पाऊँ। अभी सोचता है कि जिस दोस्त की शादी की तैयारियां हो रही थी आज उसे अंतिम विदाई देनी पड़ेगी। ट्रेनिंग के टाइम से ही वो सिर्फ कहने वाला शेर नहीं था, हम उसको नाम ही टाइगर बोलते थे। कोई भी गेम खेलते थे मेरे पे, न जाने कितने हमारे ग्रुप में बातें चल रही, हम यही कहते थे कि हमने उसका नाम भी टाइगर टाइगर बोलते रहते थे उसको। हमने कहा था टाइगर एक दिन जब कभी सीईओ बनेगा तब दोबारा नाम होगा तेरा, बट पहले से ही तू टाइगर है। उसके जितने भी सीनियर हैं जूनियर हैं हम कोर्समेट हैं, वो इस मतलब इमेजिन ही नहीं कर सकते कि मतलब ऐसा कुछ हो सकता है। वो भी ऐसे बताते थे कि जिस तरह की उनकी ड्यूटी है बॉम्ब डिफ्यूज करना इंजीनियरिंग रेजिमेंट का एक मेजर, कितनी बड़ी चुनौती होती थी फौजी अफसरों के लिए। देखो वो हर रोज देश की सेवा के लिए लोगों की ज़िंदगी बचाने के लिए अपनी जान पर खेलना। बाकी चित्रेश का मुझे पता है वो कितना भी बड़ा काम करता हो, कितना भी बड़ा खतरा होगा, लेकिन उसको खतरा महसूस ही नहीं होता है। पहले से जानता हूँ मैं, कोई सा भी काम हो वो उससे पता नहीं उसके अंदर ऐसा कहाँ से फीलिंग आती थी, वो डरता ही नहीं है, डर उसको पता ही नहीं चलता है। मैं अभी अपने घर से भी जब अभी मैं अपने घर वालों से भी नहीं मिला हूँ, मैं डायरेक्ट देहरादून पहुँचा हूँ, कल 4 बजे मैं यहीं आया हूँ। अभी मेरा घर यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है पर मैं जा नहीं पाया हूँ, बट जब भी चित्रेश से मिला हूँ चित्रेश से बात करी है, तो चाहे वो खेल का मैदान हो चाहे वो ट्रेनिंग हो चाहे वो अब यूनिट में जब बॉर्डर पर बैठा हुआ है, एक्चुअली नहीं डरता है वो। मतलब उसको रोकना पड़ेगा अगर मतलब कुछ खतरा भी है तो उसको समझाना पड़ेगा मतलब ये खतरा हो सकता है, लेकिन वो कहता है कि नहीं मैं देख लूँगा मैं कर लूँगा। चुनौती तो मतलब मेरे ख्याल से उसके लिए कोई चुनौती है ही नहीं, थी ही नहीं।